दिल्ली में निगम चुनाव से पहले बीजेपी केजरीवाल सरकार पर मंडोली जेल से लिखी गई चिट्ठियों को लेकर हमलावर थी। जी हाँ, वही चिट्ठियां जिसे महाठक सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को लिखा था और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत उनके दो मंत्री सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के अलावा तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी पर पैसे उगाहने का आरोप लगाया था। हालांकि चुनावी मौसम को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश बताया, लेकिन अब इन चिट्ठियों और सुकेश के आरोपों को लेकर जांच कमेटी की वो रिपोर्ट सामने आई है जिससे केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुकेश के आरोपों को लेकर उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी का गठन किया था और अब इस कमेटी ने इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट एलजी को सौंप दी है। बता दें कि जांच कमेटी ने सुकेश द्वारा तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल पर उगाही के आरोपों को सही पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर की सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत से चैट और फोन कॉल्स पर जो बातचीत हुई और लेन देन के समय इन सभी की लोकेशन के आधार पर जांच कमेटी को सुकेश के बयान में सच्चाई दिखी है। सुकेश चंद्रशेखर की ओर से सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए, जिसमें राज्यसभा सीट के बदले 50 करोड़ और प्रोटेक्शन मनी के बदले 10 करोड़ का जिक्र किया था, वो दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के दिल्ली के असोला माइंस स्थित फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन को 50 करोड़ का नकद भुगतान 4 किश्तों में किया गया। पैसों के इस लेनदेन की जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल को भी थी। इसके अलावा जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश की चैट कॉल्स और लोकेशन से ये दावा भी सही लगता है कि साल 2017 में 50 करोड़ की डिलीवरी के बाद सुकेश ने भीकाजी कामा प्लेस के होटल हयात में डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें सीएम केजरीवाल के अलावा सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत भी शामिल हुए। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी साफ साफ लिखा है कि सुकेश जांच एजेंसी को अपने फोन चैट्स कॉल्स लोकेशन जांच के लिए पार्टी के कुछ वीडियो फुटेज भी सौंपने को तैयार है। बता दें कि सुकेश के दावों की पुष्टि के लिए जांच कमेटी ने ईडी और सीबीआई के अफसरों से भी मुलाकात की है, क्योंकि कमेटी ने सभी आरोपों को गंभीर पाया है। हालांकि आगे की जांच के लिए साधन की कमी का हवाला देते हुए ईडी और सीबीआई द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश कर दी गई है। अब जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुकेश के जिन आरोपों को सही पाया है वो एक बार हम आपको बता देते हैं, जो उसने जांच कमेटी के सामने अपना कबूलनामा कबूल किया है। जांच कमेटी के सामने सुकेश ने कबूल किया कि मैंने कुल 60 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 50 करोड़ रुपए साउथ जोन में पार्टी पोस्टिंग और राज्यसभा के नामांकन के लिए दिए गए। ये रकम 2016 में मेरे सचिव गोपीनाथ ने कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में नगद दिए थे। रकम का भुगतान कैलाश गहलोत के असोला फार्म में 3 से 4 दिनों के भीतर कई किश्तों में किया गया। सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को हर बार पैसे देने के बाद सत्येंद्र जैन के फोन से अरविंद केजरीवाल से बात भी हुई। 2019 में जेल में सुरक्षा के लिए सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए। इस तरह मैंने कुल 60 करोड़ रुपए दिए। मैं मेरे और सत्येंद्र जैन के बीच व्हाट्सएप के सभी चैट देने को तैयार हूँ, जिससे भुगतान का ब्यौरा, डिलीवरी का वक्त और जगह की पुष्टि हो जाएगी। मैंने 2017 के दौरान कुल 50 करोड़ रुपए देने के बाद भीकाजी कामा प्लेस के पास रिंग रोड पर स्थित हयात रीजेंसी में एक डिनर पार्टी दी थी। इस पार्टी में सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत शामिल हुए थे। इस पार्टी का वीडियो फुटेज भी मैं देने को तैयार हूँ। मैंने तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी से किस नंबर से संपर्क किया था वो नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास उनके साथ हुई बातचीत के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट हैं। मैंने डीजी जेल, उनके ड्राइवर और दूसरे कर्मचारी जैसे वार्डन संजय और सहायक अधीक्षक धर्म सिंह मीणा को राशि का भुगतान किया था।
मैंने डीजी जेल को सिविल लाइंस में भारत पेट्रोल पंप और मॉडल टाउन में हल्दीराम मिठाई की दुकान पर पैसा दिया था। जिस कार से वो आए थे मेरे पास उसका नंबर नहीं है, लेकिन वो सफ़ेद रंग की सियाज कार से आए थे। सुकेश के इसी कबूलनामे के बाद जांच कमेटी ने अपनी जांच में चैट और फोन कॉल्स और लोकेशन के आधार पर इन सभी आरोपों को सही पाया है। हालांकि अभी तक इस मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जांच कमेटी की ये रिपोर्ट आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।